एक इंसान मीडिया में आके दो महिलाओं का केस लेता है, एक सोनिया अख्तर और एक सीमा हैदर, ठीक है। एक अपने बच्चे को पिता से मिलाना चाहती है, तब उनका स्टेटमेंट ये रहता है कि बच्चे बच्चे के सिर पे पिता का साया बहुत जरूरी है, ठीक है। अनदर केस में, सीमा हैदर केस में, उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। एक महिला से उसके चार बच्चों को वो दूर दूर करने पे, अलग करने में तुले हुए हैं। लेकिन शाहिद भाई, ये समय ऐसा है कि सीमा अभी आवेश में है, अभी अभी यहाँ आई है और उसे जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक जब एज आएगी, बेटियां जब यंग होंगी, एजुकेशन लेवल जीरो होगा और वो बाहर की दुनिया देखेगी कि भारत क्या चीज है, डर के सिमर के परेशान होके जब जिंदगी जीनी होगी, तब उसे समझ में आएगा कि मैंने जो जवानी में डिसीजन लिया था अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, मैंने अपने चार चार बच्चों का जो लाइफ है वो मैंने बड़ी ट्रबल में डाल दी है, बहुत बड़े ट्रबल में डाल दी है। और रही बात क्राइम की, वो हमेशा कहती है, अब देखिए कि ये जीत गया मैंने, हाँ ये इसलिए जीत गया मैंने दुआ कर ली, चंद्रयान लैंडिंग इसलिए कर ली कि मैंने दुआ की थी। भारत में तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपने मणिपुर पे सीमा हैदर ने क्या बोला, अभी हाथरस में 150 लोगों की मृत्यु होगी, आपने उस पर क्या बोला, अभी दिल्ली में 4 साल की बच्ची का रेप हुआ, आपने उसमें क्या बोला, रघुपुरा में सीमा हैदर के घर से थोड़ी सी दूरी पे एक बलात्कार हो जाता है, 3 साल की बच्ची का, 24 साल का लड़का उसका बलात्कार करता है, आपने उसके बारे में क्या बोला। आप पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा कि मैं मोदी जी के संरक्षण में हूं, मैं योगी जी के संरक्षण में हूं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो क्यों आप ये क्या मैसेज देना चाह रही हैं, ये बताइए जरा। मोदी जी नहीं के संरक्षण में, बात मोदी जी और योगी जी के नहीं, संरक्षण में तो भारत की 140 करोड़ जनता है। अमिता साहबा एक चीज है, सवाल ये कहती है, जैसे बार आपने जिक्र किया कि वो कहती है जी मेरा बाल भी बीगा कोई नहीं कर सकता। मिसाल के तौर जी पर उसके जो ऊपर FIR है वो तो स्टेट ने काटी है, तो ये चैलेंज जी आप नहीं समझ रहे कि स्टेट को चैलेंज है, बाकी तो किसी को चैलेंज नहीं है। स्टेट ने जी उसको ये तो नहीं कहा कि निर्दोषी है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, स्टेट ने जी तो माना है ना कि क्राइम हुआ है, तो जी फिर वो क्राइम से ऊपर कैसे हो सकती है कि वो क्राइम उसकी नजर में कुछ नहीं है और चैलेंज भी बैठ के दे। सर, ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी तो कोर्ट में जब चीजें जाएंगी। और देखो सर, मैंने मेरे जीवन में, या मैंने अभी किसी भी किताब में, पता नहीं इन लोगों ने तो कहाँ पढ़ा जो इसके लोग इसके फेवरेबल होते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है कि कोई किसी ने अवैध घुसपैठ इस तरह से की हो और उसे डिपोर्ट ना किया गया हो और शरण दी गई हो इस तरह से। जी सर, एक बहुत लंबा समय हो जाता है, बहुत लंबा अरसा बीत जाता है, इस केस पे बात करने का कभी मन नहीं करता। इन लोगों के अगर स्टेटमेंट कभी सुन लिए जाए कि भारत के लोग गद्दार हैं जो पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं, और अपने भाई का साथ दो, सचिन का साथ दो। एक दिन सीमा ने एक वीडियो जारी किया, ये तुम्हारा अपना हाँ सनातनी भाई है, उसने ये वीडियो जारी किया, उसने कहा कि तुम पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हो, तुम गद्दार हो, जो तो सबसे बड़ा गद्दार तो सचिन है, तुम भी तो पाकिस्तानी हो, तुम्हारा भी तो साथ दे रहा है ना वो। यहाँ बात सही और गलत की हो रही है, तो गलत है सर। अगर आप देखा जाए तो लॉ से तो कहीं भी चीजें ये फिट नहीं बैठती हैं, कुछ चीजें मोमिन मलिक सारी मीडिया में नहीं बताते, इंटरनल बहुत सारी चीजें हो रही हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो कहता है कि वो भगवान को बताती है कि मैं अल्लाह को छोड़ दिया, मैं भगवान को मानने लगी। तो इस हिंदुस्तान में भी तो 30 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में तो रहती है, क्षेत्रफल की दृष्टि, एरिया की दृष्टि से तो पाकिस्तान का जो एरिया है काफी बड़ा है हिंदुस्तान से, पॉपुलेशन 25 करोड़ है लेकिन हिंदुस्तान की 140 करोड़ है, ठीक है। बहुत ही कंजस्टेड एरिया में लोग रहते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इतना बड़ा एरिया है पाकिस्तान से, तो बहुत छोटा एरिया है हिंदुस्तान का। तो आप ये देखिए कि वो हर चीजों को भगवान से कोरिलेट करती है, चलिए मान लिया कि वो हर चीज को भगवान से कोरिलेट करती है, तो आप अगर जनता की अदालत पर यकीन नहीं करते हैं, अगर आप कानून की अदालत पर यकीन नहीं करते, तो एक अदालत इस तरह की है कि वो रामायण का, महाभारत का बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है। तो एक एग्जाम्पल मैं भी देती हूँ कि रावण ने सीता का हरण किया था, ठीक है, तो हरण करने का उसको क्या मिला, श्री राम ने, हनुमान जी ने लंका, सोने की लंका में आग लगा दी थी। एग्जैक्टली सचिन ने भी तो ऐसा किया है कि पराई स्त्री का वरण किया है, दूसरे की पत्नी जो चार बच्चों की माँ है, उसके मुल्क में उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसे अवैध रूप से अपने देश की सीमाओं में प्रवेश करा दिया, ठीक है। तो ईश्वर की नजर में तो वो सबसे बड़ा अपराधी है, तुमने किसी पराई स्त्री को अपने साथ में रख रखा है, इस्लाम में माने या सनातन में माने, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है। आप बोल रहे हो उनका पिता भी जीवित है, वो अपने बच्चों के लिए कीड़े की तरह रेंग रहा है, दिन रात रो रहा है, परेशान हो रहा है, वो कुछ नहीं है, मैं हूं बच्चों का बाप, आप कैसे कह सकते हैं।
बहुत परिश्रम लगता है एक पिता शब्द कहलाने के लिए, बहुत परिश्रम लगता है। ऐसे नहीं कोई किसी बच्चों का पिता बन जाता। और देखिए ये सब चीजें अभी हैं, YouTube से अर्निंग है, लोगों ने बार खोड़ के थ्रू थोड़ा सा उन्हें पैसा दिया है। ये चीजें मैं तब देखती, पूरा भारतवर्ष तब देखता, पाकिस्तान तब देखता, अगर वो कहती है कि मेरे भाई इतने बड़े वकील हैं, ये हैं और ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, मुझे ये लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आप इतने इतने बड़े बड़े लोगों से आप अगर बैठते हैं, अचीव करते हैं ऐसे लोगों को, तो आपको बारकोड जारी करके भीख मांगने की क्या जरूरत थी कि भारत के 140 करोड़ लोगों मुझे भीख दो आप। अगर YouTube से अर्निंग नहीं होती तब मैं बताती कि बच्चों को पालना क्या होता है। बहुत मुश्किल था सर सरवाइव करना। वो खुद तो देखे उनकी जिस तरह की जिंदगी थी उस वक्त, आप सबके सामने थी कि भीख मांग रहे थे और वो QR कोड दे रहे थे कि देखें जी पैसे भेजें। अच्छा ये सवाल है, ये सवाल उठ रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी शक्ति हो पीछे, कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हो? सर कुछ नहीं कह सकते सर। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कह सकते, सर कहने के लिए तो बहुत कुछ है सर, लेकिन यहाँ नहीं कह सकते। यही बात है कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हम भी यहाँ नहीं कह सकते। इश्यू असल में देखिए बदनामी किसकी होती है, हमारे पास चलें कि बड़ी एक डिबेट हो, हम बैठ के उस पर बात करें, लेकिन यहाँ बदनाम कौन हो रहा है आप बताइए? कि जिस देश तरह एक चार बच्चों की देश माँ को बदनाम कहती मेरी होता बीवी है, तो क्या उसमें मुल्क बदनाम नहीं हो रहा, स्टेट जी, बदनाम नहीं हो रही, धर्म बदनाम नहीं हो रहा? लेकिन सर मेरे पास भी फिर हम लोग भी सीना चौड़ा करके जी सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हम लोग भी फिर जैसे को तैसा करने के लिए तैयार हैं। अगर अगर कोई इसी तरह से कोई महिला दूसरी घुस जाती है दो चार बच्चों को लेकर और हमसे कहती है कि इसे ऐसे नहीं ऐसे रखा जाएगा, तो हम भी कहेंगे भैया मीडिया को दिलाओ अच्छे से भी इंटरव्यू, इसे खुले में घुमाओ, इसके घर के बाहर एक सिपाही बिठाओ और इसे गाड़ियों में घुमाओ। कहेंगे कैसे, जैसे कि सीमा हैदर को घुमाया था, क्योंकि नियम तो सबके लिए एक है। ये बहुत सारी चीजों में गलत चीजें कर रहे हैं। और देखिए इन चीजों में आपने देखा होगा कि ये जो लोग यूट्यूब्स पर लाइव करते हैं, वीडियोस करते हैं, ये शुरुआत तो उस आपकी कंट्री से ही हुई थी कि लिंक शेयर किया, सब लोग आपस में जुड़ गए, किसी के पास कोई फोन नंबर नहीं, किसी को कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, ये शुरुआत वहां से हुई थी। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन ये हुई, कहाँ गुलाम हैदर है, कहाँ उसके बच्चे हैं, कहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिलहाल मुद्दा ये हो गया कि लो भाई सबसे बड़ी खबर, आज सबसे बड़ा खुलासा, मोमिन मलिक का ये हो गया, एपी सिंह का ये हो गया, सीमा हैदर का ये हो गया। लोगों ने इसे एक अर्निंग का जरिया बना दिया है, लोग टारगेट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा तुम वहां पाकिस्तान के लाइव पे जाओगे ना तो हम तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारा थंबनेल लगाएंगे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम है, आप लगाने से पहले ये सोचिएगा कि आप भारत में रहते हैं। बहुत ही मेंटल, लोगों का मेंटल लेवल जो है बहुत डाउन हो गया। और इसमें सीमा टारगेट कर रही है सबको, जो लोग बैठ के भारतीय आपस में कि ये तो गुलाम हैदर को पक्ष लेते हैं तो आप उन्हें गालियां दो, वो भी लाइव में जुट के लोगों को टारगेट कर रही है। कुछ नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, होती है। अभी वो देख लो कि ये जो अनिल कुमार है ये बैठकर आजकल लोगों को बहुत गाली दे रहा था, तो अभी वो मोनू गुड्डी जो है उन्होंने एक स्टेप उठाया है, एक वो रीना है उन्होंने, ये इस तरह के लोग मतलब किस तरह की हरकतें करते हैं कि मेरे परिवार में मेरे मेरी पूरी फैमिली है, ये नहीं कि भाई भी होगा, पिता भी है, मतलब फादर तो मेरे नहीं है लेकिन ससुर जो भी कुछ है, मतलब फैमिली में मर्द तो होते ही है ना, मुझे देखने के लिए वो है। आप अपनी फैमिली को देखिए, ये लोग मतलब स्पेशली मैसेज करके बोलते हैं कि आप वहां नहीं जुड़ेंगी नहीं तो आपको ये कहा जाएगा, आपको ये गालियां दी जाएंगी। आपस में गाली गलौज हो रहे हैं, यूट्यूब लाइव पर नंगे हो रहे हैं, इस कदर का माहौल इस महिला के आने के बाद में ये शुरू हो गया है। लोग हैं जो जी हमसे जुड़ने वाली खवातीन को गालियां देते हैं, क्या वो हमारी बहन बेटी को गालियां दे रहे हैं या अपनी बहन बेटी को गालियां दे रहे हैं? तमाम तो इंडिया नहीं है ना, वो जो लेडीज जुड़ती हैं। जी नहीं, सर एक बात बता दो जरा आप, कि अगर आप मतलब मुझे कहने लगे कि आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, भैया तुम कौन हो आप, क्या मतलब है, मेरी अपनी लाइफ है, अभी मैं यहाँ पर लाइव बैठी हूँ, क्या मेरी फैमिली को नहीं पता कि मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रही हूँ, लाइव स्ट्रीम में जुड़ी हुई हूँ, क्या कर रही हूँ? तो मुझे रोकने के लिए मेरी फैमिली है ना, आप अपनी बहन बेटियों की तरफ ध्यान दी, ये एक इंडिकेट करता है। अगर आप बैठ के किसी की बहन बेटियों को गाली देते हैं, उनका थंबनेल लगाते हैं, तो ये आपकी मेंटेलिटी शो करता है कि आपका आपके परिवार में किस तरह का बिहेवियर होगा, आप अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को किस तरह से कैप्चर करके रखते होंगे। और ये देखिए दूसरा जी
दूसरा दूसरा इलीगल काम को प्रमोट कर रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं कर रहे, उसको तो मजीद हवा दे रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, वो लोग मुद्दा इसे बिठा के कहते हैं मुस्लिम महिला हिंदू बन गई, इसका स्वागत करो, ये सनातन में आई है। हम वो मुद्दा अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि एक महिला वैध रूप से भारत में घुसी है और आप उस लोगों को उस लोग को उसको प्रमोट कर रहे हैं, मुद्दा ये है।